झारखंड से हैं कॉलर रतन तन्हा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जय भारत रतन सर। जय हिंद, जय भीम, और आपकी भी जय, रतन 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 वालों की भी जय, रंगीला की भी जय, रतन की भी। जी मेरा मिजाज, शारीरिक मिजाज सर्द है सर। ठीक है सर। और लोगों का विचार है कि मेरा मिजाज गर्म है, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ, जब आप देखते कोई श्रोता की बात पर, कोई लिसनर्स की बात पर आप जब भावुक होते हैं तो मैं भी भावुक हो जाता हूँ, मेरी भी आंखें भर आती है। मैं कोई धारावाहिक देखता हूँ तो कोई ऐसा क्षण आता, कोई फिल्म देखता हूँ ऐसा क्षण, तो मेरी आंखें बार बार भर आती है। मैं नहीं जानता कि मेरा असल में मिजाज क्या है। शारीरिक मिजाज तो सर्द है, ये जानता हूँ, मैं जब मौसम चेंज होता है तो मुझे तकलीफ होती है थोड़ी बहुत सर्दी वगैरह। दोस्तों को ये आशा रहता है मुझसे कि मैं उनके हर बात पर जी हुजूरू करूं, उनका मैंने कोई भी गलत बात हो तो मैं उसमें हाँ में हाँ मिलाऊं, लेकिन मेरा वो मिजाज उस समय गर्म हो जाता है। मैं मुंह मन ठीक सामने उनके चेहरे के सामने दो टुक मैं कह देता हूँ कि नहीं यह गलत है। और ये तो अब जाने बता चुका हूँ कि मैं भावुक हूँ अंदर से। तो ये मौसम चेंज हो रहा है सर, मैंने उन्नाव, लिसोड़ा और अलसी और पीपल, इसका 150 के रेशियो से बनाया हुआ है सर। मौसम चेंज हो रहा है, मैं खुद के लिए बनाया हूँ और शुरू भी कर सका हूँ, शुरू भी कर चुका हूँ। तो क्या ये मैं ये जो 450-500 का बनाया हूँ पूरा खुद खा सकता हूँ या बचने पर किसी को दे भी सकता हूँ सर? और दूसरा प्रश्न है सर, मेरा एक हबीब है बचपन का जी, तो वो थोड़ा सा यौन शक्ति, वो कह रहा, आज ही फोन आया था रांची से, बोला मैं कुछ कम हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बताइएगा सर। ठीक है, ठीक। हाँ देखिए, मिजाज जो है इंसान का वो उस चीज पर निर्भर है कि अगर आप को नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें अक्सर आती हैं और जल्दी आप किसी रोग में ग्रस्त हो जाते हैं तो आप सर्द मिजाज हैं, चाहे गुस्सा आपको कितना ही आता हो। तो गुस्से से मिजाज का कोई ताल्लुक नहीं है, और समझ लीजिए कि आपको बार बार बलगम, खांसी, छींकें रहती है तो आप ठंडे मिजाज के हैं और आपके अंदर इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ये तयशुदा बात है यूनानी और आयुर्वेद की। और वो मिजाज का अगर बात करें जो भावुक होने वाली बात है, तो उस मिजाज में आप मुझ जैसे हैं, समझे, ये हमारी दोनों चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो मेरा भी हाल है कि मैं बिल्कुल जवान था, फिल्में विल्मों का बड़ा शौक़ था, मैं चला गया पिक्चर देखने, इत्तेफाक से मेरे चारों तरफ लड़कियां बैठी हुई थी और मैं अकेला, और वो जो सीन आया जज्बाती सीन, तो मैं तो इतना बुरी तरह रो रहा था और वो सब लड़की मुझ पर हंस रही थी। तो ये हमारा मिजाज है, आपका और हमारा मिजाज मिलता हुआ है। ये बहुत पसंद किया जाता है भगवान की तरफ से, रोने वाली आँख को भगवान बहुत पसंद करता है, और यही आँख अगर अपने रब के आगे रोए तो बहुत, जो चाहो भगवान से मनवा लो। और अगर वक्त ऐसा हो कि रात के 12 बजे के बाद का, जब सब सो चुके हो और आप उठ के सजदे में उससे कुछ जो बातें करोगे, तो उसकी सरगोशियाँ भगवान के यहाँ होती हैं, जो आप यहाँ बोलते हो वहाँ सुनाई देता है। याद रखें आप, ये वो वक्त है जब आप अपने रब से सब कुछ मनवा सकते हो। और खुददार होना बहुत अच्छी बात है, अगर कोई चापलूसी कराना चाहे तो, ये मिजाज नहीं है आपका, आप नहीं कर सकते, आप मर जाएंगे, चापलूसी नहीं करेंगे। और एक शेर याद आ रहा है कि
नाज है, नाज है अपनी कच कुलाही पर। कच कुला कहते हैं, पहले वो कुला बांधते थे ना ऐसे, तो वो थोड़ा टेढ़ा होता था, तो उसका एक मतलब होता था कि मैं चापलूस नहीं हूँ, जो टेढ़ा सा लग बांधते थे। नाज है अपनी कच कुलाही पर, चापलूसी मेरा उसूल नहीं। डूब जाना कबूल है लेकिन मिन्नते ना खुदा कबूल नहीं। मेरे ख्याल से इनके सब सवालों के जवाब दे दिए मैंने। एक सवाल रह गया, उन्नाव लिसोड़ा अलसी वाला एक नुस्खा बनाया उन्होंने जी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करिए, किसी को देना हो तो दे भी सकते हैं, फिर दोबारा बना लेना। आपका तो मिजाज है लोगों की खिदमत करना, कितने लोगों को आप अच्छा कर चुके हैं, तो इसको आप इस्तेमाल करें लगातार 4-5 महीने, फिर आपका मिजाज मोतदिल या गर्म हो जाएगा और आप फिर सर्दी के या इन रोगों से जल्दी ग्रस्त नहीं हुआ करेंगे। बिल्कुल। तो रतन जी, जैसा कि आप लोगों की भी मदद करते हैं और अपने आप को भी बेहतर आप रखते हैं, तो सर बहुत जल्दी हम आप तक भी पहुंचेंगे आपके इंटरव्यू के लिए। अगर हम नहीं पहुंच पाए तो हम जूम के ज़रिए भी आपका इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। तो सर इंतज़ार करिएगा हमारा, क्योंकि हम उन सभी दर्शकों के यहाँ पहुँचने वाले हैं जो अपना भी ख्याल रखते हैं, अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं, अपने परिवार को उन नुस्खों से सेहतमंद बनाया है जो उन्होंने जाने थे हकीम साहब से, और बहुत सारी लोगों की उन्होंने खिदमत भी की है। और जो हमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपने घर का एड्रेस भी वहाँ पर लिखवा सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर से हम बात कर लेते हैं। सुरेंद्र कौर जी हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, हकीम जी से बात हो रही है। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी वैद्य जी, मेरा ना मतलब सारी बॉडी में दर्द होता है। पहले, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, पहले तो मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि हमारा फोन नहीं मिल रहा था, शुक्र है भगवान का आज फोन मिल गया। हाँ जी, हाँ जी जी, मेरे दोनों, हाँ जी दोनों मेरे मोड़ों में, दोनों कुहनियों में, और मेरे पैर इतने जलते हैं रात को, मतलब सारा दिन, 2-3 साल से। ठीक है, उम्र बताइए अपनी। हाँ जी, मेरे मतलब मैम एज बता दीजिए अपनी। हाँ जी, इतने पैर इतने ज्यादा जलते हैं। उम्र बताइए मैम, उम्र अपनी। हाँ जी, उम्र हमारी है जी 65। ठीक है मैम, 65। ठीक है, लगता है कि आप ने कोई नुस्खा हमारा लिया नहीं अभी। तो देखिए, बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, और कभी कोशिश करें, ट्राई करें, असली जो भी मैं बताऊं असली लें। और वो मैं अक्सर बताता हूँ ना, गोंद सियाह, काला गोंद खरीद लें असली, और इसको पाउडर बना लें। आधा चम्मच धनिए का पाउडर, आधा ग्राम गोंद सियाह, जिसे हम काला गोंद कहते हैं। लेकिन ये गोंद सियाह नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। फिर से एक बार दोहराता हूँ, गोंद सियाह यानी काला गोंद आधा ग्राम, और धनिए का पाउडर आधा चम्मच में मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद कम चर्बी के दूध से या पानी से यूज़ किया करें। अगर ये असली मिल गया आपको तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। मध्य प्रदेश से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। जी दीदी, राधा स्वामी। राधे राधे मैम। दीपा बोल रही हूँ जी। जी मैं दीपा बोल रही हूँ। मेरे दो सवाल हैं दी, प्लीज आप अच्छे से लिख लीजिए। बिल्कुल जी, वो मेरे ना एक जीजा जी के लिए सवाल हैं, क्योंकि मैं उनको किसी कोई नुस्खे बताती रहती हूँ तो बहुत ना फायदे करते हैं, तो वो बोल रहे थे मेरे लिए भी पूछना। तो उसकी ना एज है 51, और ना उनको 15 सालों से शुगर है, लेकिन अब ना उसको ना जैसे सुबह उठते हैं ना तो एकदम इतनी पीड़ा होती है शरीर में, बहुत कमजोरी महसूस होती है। और ना वजन है उसका 88, और उनको शुगर है,
तो वो बोल रहे थे मेरे लिए पूछना कि मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो बहुत पीड़ा होती है शरीर में और कमजोरी भी बहुत लगती है और वजन भी बढ़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है मैं अपने सर से पूछ दूंगी आपके लिए, तो वो क्या करें। और दूसरा ना उस प्रेग्नेंट बहू के बारे में पूछूंगी, तो उसका ना अभी 8वां महीना चल रहा है, तो वो बोल रही थी जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो और उसको ना सर्दी बहुत बनी रहती है, छींकें और सुबह शाम बहुत छींकती है और बहुत सर्दी बनी रहती है, और बोल रही थी दीदी मेरे लिए पूछना कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, तो मैं उसको अपनाऊं। मैंने कहा ठीक है मैं पूछ के बता रही हूँ अपने सर से। ठीक है। पहले भी बहुत उनको फायदे हुए हैं तो वो बहुत दिन से बोल रहे मेरे को जी, बस इतना ही। राधा स्वामी सर जी दीपा जी, आपका नंबर ये लिखेंगे हमारे मीडिया कर्मी और आप तक पहुंचेंगे आपका इंटरव्यू लेने। ये एक मुहिम चली है जो लोग बहुत सेवा करते हैं और बहुत जिन लोगों को फायदा हुआ है उन लोगों ने दूसरों तक फायदा पहुंचाया है, तो मीडिया कर्मियों को आपका इंटरव्यू चाहिए तो आप देख लेना। और आप तो बहुत अच्छे हमारे व्यूवर्स में से हैं, आपकी बहू को भी मुझे मालूम है कि उनको रिसाव शुरू हो गया था, ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, फिर आपने मुझसे नुस्खा पूछा था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था नहीं हो सकता, फिर मैंने नुस्खा बताया था, फिर वो बच्ची अच्छी हो गई थी। मेरी तरफ से प्यार करना उसको और कोशिश करें नॉर्मल डिलीवरी हो। अब जो 9वां महीना लगेगा तो इस बच्ची से सब वो काम कराइए जो नौकरों से कराते हैं आप, यानी झाड़ू पोछा लगवाना। बच्ची को शायद बुरा ना लगे क्योंकि वो भी मुझे ज़रूर प्रेम करती होगी। और कपड़े धुलवाइए ज़मीन में बैठ के, चाहे आपके यहाँ नौकर चाकर हों, मशीनें हों धोने की, लेकिन उससे कराइए जितना भी उससे हो सके। तो ये दो काम कराना शुरू कर दीजिए उससे। और जब जो डेट डॉक्टर ने दी हो उसकी, उस डेट पर उसको जो बेकार सा गुड़ नज़र आता ना, काला सा पुराना सा बकवास सा, वो गुड़ घर में रखिए। जो डॉक्टर ने डेट दी है उस डेट से एक दिन पहले ऐसे 50 ग्राम खिलाना, फिर अगले दिन 50 ग्राम या 100 ग्राम खा ले किसी तरह, और खूब पानी पिए। आपकी बच्ची को बहुत नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। जी और जीजा जी के लिए देखिए, आपको तो पता ही है अगर दर्द है तो गौंसिया देना है, आधा आधा ग्राम देना है, 2 बार देना है या 1 बार भी दे सकते हैं। और शुगर की दवाएं लेते रहें, पैदल ज़रूर चला करें, गर्म पानी ज़रूर पिया करें, और या तो गौन जामुन, आपको पता है बहुत असरदार है, एक एक चुटकी 2 बार दिया करें, खाने से पहले देना बेहतर है। एक एक चुटकी से ज़्यादा ना दें और 2 बार से ज़्यादा ना दें, तो उनको भी फायदा होना मुमकिन है। जी।